नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। ये वीडियो मैं उन लोगों के लिए लेके आया हूँ जो पटवारी का कट ऑफ, पटवारी का रिजल्ट कब आएगा, कट ऑफ क्या रहेगा, इनका क्या होना है क्या नहीं होना, कौन सी शिफ्ट में किसे क्या कट ऑफ रहने वाला है, ये सब डाउट हैं। कौन सा पेपर कठिन था, कौन से डे का सरल था, ये सब डाउट मैं आज क्लियर करने वाला हूँ। दोस्तों स्टार्टिंग में करता हूँ, कौन से डे का कट ऑफ कम जाएगा, कौन से डे का ज़्यादा जाएगा और क्या रीज़न है, इसका मैं पूरा बता देता हूँ आपको। दोस्तों कोई नहीं जानता, जितने भी चैनल YouTube पर बोल रहे हैं कि कट ऑफ इतना जाएगा, इस डे का कट ऑफ ईजी था, इस डे का कट ऑफ टफ, इस डे का पेपर टफ था तो कट ऑफ कम जाएगा, तो दोस्तों हम एक ही बात जानते हैं कि अगर क्वेश्चन का आंसर हमें आता है तो हमारे लिए वो पेपर सरल है, और जिस क्वेश्चन का आंसर हमें नहीं आता हमारी नज़र में वो कठिन है। बहुत सारे इंस्टीट्यूट एक का देख के दूसरा, दूसरे का वीडियो देख के तीसरा, तीसरे का वीडियो देख के चौथा, सब एक ही लाइन में बोल रहे हैं कि आज का पेपर कठिन था, इस डे का पेपर कठिन था। कठिन इसलिए था क्योंकि कुछ क्वेश्चन उनसे नहीं बन पाए, इसलिए वो कठिन हो गया। जिन क्वेश्चनों के आंसर, अगर सब क्वेश्चनों के आंसर उनको आते हैं तो वो सरल हो गया। ये बेवकूफ़ी वाली बातें हैं और कुछ भी नहीं है। सबसे बड़ा फैक्ट यही है कि कोई भी नहीं जानता कौन से डे का पेपर कठिन था, कौन सा डे का सरल था, ये सब बकवास बात। एक न्यूज़पेपर में आया कि 1500 से ज़्यादा अभ्यर्थियों के 100 मार्क्स हैं, तो भाइयों 100 मार्क्स किसी के भी नहीं आए, क्योंकि पटवारी के एग्ज़ाम को हवा बना रखा है। MPPSC एग्ज़ाम में भी नहीं आए, छोटे से छोटे एग्ज़ाम में भी किसी के 100 नहीं आए, तो पटवारी के एग्ज़ाम में क्या भैया भगवान ने एक्स्ट्रा दिमाग दे दिया सबको? यह सबसे बड़ा एग्ज़ाम हो गया जो 100 में से 100 आ जाएंगे, कुछ भी नहीं है ऐसा, कुछ भी 100 में से 100 किसी के नहीं आने वाले हैं। कट ऑफ कम रहेगा, कम इसलिए रहेगा क्योंकि अदर स्टेट के अभ्यर्थी शामिल नहीं हुए। MBBS का कट ऑफ हाई गया था क्योंकि अदर स्टेट के अभ्यर्थियों शामिल हुए थे, जिसकी वजह से कट ऑफ बहुत हाई चला गया था। पटवारी में अदर स्टेट नॉट अलाउड, इसलिए इस बार कट ऑफ कम जाने वाला है। जो अफवाहें हैं उन पर ध्यान मत दीजिए। SC ST जनरल के कट ऑफ जाने वाला है, वो मैं वीडियो बना चुका हूँ, आप उस वीडियो को देख लीजिए, ठीक है, और बेफिक्र हो जाइए। और दूसरी बात मैं आपको बता देता हूँ कि कट ऑफ क्या रहने वाला है, उसका मेन रीज़न क्या है क्या नहीं है, वो मैं बताता हूँ आपको दीजिए। और दूसरी बात सबसे बड़ी मैं बता दूँ, ये फैक्टर डिपेंड करता है लड़कों पर, लोगों पर, अभ्यर्थियों पर। वो ऐसे कि मान लीजिए किसी शिफ्ट में, जैसे कि 20 तारीख का एग्ज़ाम है, तो 20 तारीख को मान लीजिए रेंडमली लड़के सेलेक्ट होते हैं एग्ज़ाम देने के लिए, तो मान लीजिए कि जो इंटेलिजेंट, जो ज़्यादा इंटेलिजेंट समझदार लोग थे, वो ज़्यादा संख्या में 20 तारीख का उनका एग्ज़ाम था मान लीजिए, तो जब वो ज़्यादा समझदार इंटेलिजेंट जो पढ़ने वाले लोग हैं उनका एग्ज़ाम 20 तारीख को है, तो उन सब के मार्क्स भी अच्छे आएंगे, सबके मार्क्स अच्छे आएंगे, तो 20 तारीख का जो हैं लड़के जो पर डे कट ऑफ जो सिलेक्ट किया जाता है, तो उस दिन हाई जाएगा, क्योंकि उस दिन अच्छे अच्छे पढ़ने वाले लड़कों का एग्ज़ाम था तो उनके नंबर ज़्यादा आ गए, इसलिए उस दिन ज़्यादा नंबर वाले ही लड़के सिलेक्ट हुए जाएंगे। और मान लीजिए किसी दिन गलती से रेंडमली चूज में करते हुए जो थोड़े से मिडिल टाइप या कम दिमागदार, पूरा मत मानिएगा, लेकिन मतलब जो कम पढ़ने लिखने वाले, मतलब जो टाइम पास के लिए एग्ज़ाम देने गए थे, उन लड़कों का सेंटर मान लीजिए 21 तारीख को पड़ जाता है, तो उनके मार्क्स तो अच्छे आने नहीं है क्योंकि उन्होंने तो कोई तैयारी नहीं करी, वो तो सिर्फ टाइम पास के लिए गए एग्ज़ाम देने के, हम तो पटवारी के एग्ज़ाम देंगे, तो उनके मार्क्स कम आने वाले हैं। लेकिन सरकार को तो उस दिन बराबर लड़के ही सिलेक्ट करना है उतने ही पर डे कट ऑफ के हिसाब से, तो उस दिन का कट ऑफ जाएगा बहुत कम। तो ये हमारी किस्मत के ऊपर डिपेंड करता है कि हमारा एग्ज़ाम किस दिन पड़ा है, ज़्यादा पढ़ने वाले लोगों के साथ पढ़ा है या कम पढ़ने वाले लोगों के साथ पढ़ा है। अगर ज़्यादा अच्छे लोगों के साथ अगर हमारा एग्ज़ाम पड़ा है तो उस दिन कट ऑफ हाई जाने वाला है, उस दिन हमारी किस्मत है ख़राब। और जिस दिन मान लीजिए कम पढ़ने वाले टाइम पास लड़कों के साथ हमारा एग्ज़ाम पड़ा होगा, तो उस दिन का कट ऑफ जाएगा बहुत कम, और उस दिन हमारी किस्मत अच्छी। और यही हुआ है MP पुलिस के एग्ज़ाम में, OBC का कहीं कहीं 72-73 पे भी नहीं हुआ, जनरल का 76 पे भी नहीं हुआ है, और कहीं कहीं OBC का 64-65-66 में भी हो गया है, और जनरल का 69-70 में भी हो गया है। ये रीज़न यही है जो मैंने आपको बताया, पेपर कठिन और इजी कुछ नहीं होता, सब में इक्वल क्वेश्चन आते हैं, जो क्वेश्चन हमें आ जाता है वो इजी हो जाता है, जो क्वेश्चन नहीं आता वो टफ हो जाता है।
टफ और इजी नाम की कोई चीज़ नहीं है, हटा दीजिए, बस डिपेंड करता है लड़कों पर, यही आखिरी सत्य है, ठीक है। इसलिए आप, कुछ लोगों ने कमेंट किए देखे सर हमारे इतनी शिफ्ट को इतने पे इतने नंबर, इतनी शिफ्ट को इतने नंबर, कुछ नहीं होने वाला है क्योंकि एमबी पुलिस के एग्ज़ाम में सब क्लियर हो चुका है कि सब शिफ्ट बराबर आता है, डिपेंड करता है उन लड़कों के ऊपर कौन से दिन अच्छे लड़के का एग्ज़ाम, कौन से दिन टाइम पास वाले लड़कों का एग्ज़ाम, बस इसके अलावा और कुछ मत देखिए। पटवारी का रिजल्ट मार्च सेकेंड वीक 15 मार्च से तक आने के चांस हैं और अपनी प्रिपरेशन जारी रखिए, CBCT की टाइपिंग स्टार्ट कर दीजिए। अगर पटवारी में नहीं हुआ तो आगे जितने भी एग्ज़ाम होने वाले हैं व्यापम के, उनमें 70% में CPCT वो मांगेंगे क्योंकि वो क्लरिकल या जो स्टेनो टाइप की जो जॉब होती है उन सब में CPCT मांगने वाले हैं। इसलिए अगर आप जॉब चाहते हैं, गवर्नमेंट जॉब चाहते हैं श्योरिटी के साथ, तो CPCT का डिप्लोमा करना चालू कर दीजिए, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है फ्यूचर में, और अपनी प्रिपरेशन जारी रखिए। लेबर इंस्पेक्टर की वैकेंसी आने वाली हैं, इसके साथ ही अन्य वैकेंसी भी आने वाली हैं, जो BEd DEd वाले हैं उनके लिए संविदा टीचर की वैकेंसी आने वाली हैं, वैकेंसी बहुत आने वाली हैं। आप अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू रखिए, जो पुलिस में होगा उनके लिए मेरी शुभकामनाएं, जो पटवारी में होने वाले हैं उनके लिए मेरी शुभकामनाएं। और दूसरी बात, पटवारी की एक और बात बता दूं कि जिन लोगों के मार्क्स थोड़े से कम है, ज़्यादा टेंशन मत लीजिए, 2-4 नंबर कम है, कोई कट ऑफ से अगर 2-3 नंबर भी कम हो जाते हैं तो भी कोई टेंशन की बात नहीं है, क्योंकि वेटिंग लिस्ट बनने वाली है कम से कम 15 और मैक्सिमम 2500। अब ये व्यापम के ऊपर है कि वो कितने बनाते हैं, 1500 की वेटिंग लिस्ट बनाते हैं या 2500 की। मेरे ख्याल से 1500 की वेटिंग लिस्ट बनाएंगे और 1500 की वेटिंग लिस्ट क्लियर हो जाएगी 18 महीने के अंदर। वेटिंग लिस्ट क्लियर होने का रीज़न बिल्कुल है, क्योंकि वेटिंग लिस्ट क्लियर होना ही है, आप जानते हैं, क्योंकि मैक्सिमम कुछ लड़के SI में जाएंगे, कुछ SSC में जाएंगे, कुछ बैंक की प्रिपरेशन कर रहे होंगे तो बैंक में सेलेक्ट हो जाएंगे, वो बैंकिंग ज्वाइन करेंगे, कुछ MPPSC में, कुछ अदर UPSC में, कुछ अदर स्टेट के एग्ज़ाम है उनमें, मतलब और कुछ लोगों को अपना होम डिस्ट्रिक्ट ना मिलने की वजह से वो ज्वाइन नहीं करेंगे, जैसे लड़कियाँ, मतलब पास का एरिया नहीं मिला तो वो ज्वाइन नहीं करेंगे, कुछ तो जॉब ही कर रहे हैं टाइम पास के लिए आए थे वो ज्वाइन ही नहीं करेंगे, तो ऐसे बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो ज्वाइन नहीं करने वाले हैं। तो 1500 की वेटिंग जो है वो 18 महीने के अंदर क्लियर हो जाएगी, लेकिन आप उनके भरोसे मत बैठिए, क्योंकि पटवारी का एग्ज़ाम एक ऐसा एग्ज़ाम है जिसमें धांधलीबाजी तो पहले होती थी, अब होगी या नहीं होगी ये कोई नहीं कह सकता, लेकिन हमेशा ज्वाइनिंग अटक जाती है, इस बार तो अटकेगी तो नहीं, लेकिन जो वेटिंग में है उनकी कोई गारंटी भी नहीं है कि उनका वेटिंग क्लियर हो, कि उनको ज्वाइनिंग हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। इसलिए आप अपने, अभी वेटिंग है आपके पास, अगर वेटिंग में नंबर आ भी जाता है तो आपके पास एक चांस तो रहेगा पटवारी का, लेकिन अदर एग्ज़ाम की तैयारी कंटिन्यू करते रहिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, जैसे ही पटवारी की इन्फॉर्मेशन, जैसे ही कुछ नया अपडेट आता है मैं आपको अपडेट कर दूँगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू दोस्तों।